सो हेलो गाइज, वेलकम टू सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं आपको पार्ट टू बताने। हाँ गाइज़, और चलो गाइज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये बहुत कमाल का होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और कुछ सरप्राइज़ भी है जो आपको इसी वीडियो इसी स्टोरी में डाला गया है, जो आपको कुछ लगेगा भाई मज़ा आ गया। तो चलो गाइज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास से। तो हम देखते हैं कि गाइस नोबिता आ जाता है और वो मारता है, पीछे से मारता है। और वो मतलब लिटरली आते हैं, अब वो जो कबाब पड़ चुका था, और नोबिता आता है और सुजुका भी आती है और वो उठाती है परमैन और पाको को। और जब वो उन दोनों को मतलब परमैन को भी उठाती है, देखो पाको को तो लगा है, परमैन भी थोड़ा सा मतलब उसको भी नोबिता मतलब उठाता है और बोलता है कि जल्दी से पाको को हमें लेके चलना पड़ेगा, मतलब सुमेरे को हमें जल्दी से लेके चलना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मित्सो एकदम मतलब थोड़ा बहुत शॉक में रहता है क्योंकि नोबिता कैसे आया और साथ साथ सुजुका कैसे आई और साथ साथ पाको का तो जो हुआ है अभी, वो लिटरली मित्सो का भी शॉक लगा हुआ है। और गाइज उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाता है। हॉस्पिटल में मित्सो बोलता है मतलब सुमेरे का हाथ नहीं छोड़ रहा होता, जब वो सुमेरे आईसीयू में जा रही थी वो हाथ नहीं छोड़ रहा रहता है सुमेरे का। तभी नोबिता हौसले देता है कि वो सुमेरे ठीक होगी ही आएगी, तुम बस उसको जाने दो क्योंकि वो जाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी। और मित्सो से हाथ छोड़ता है और वो सुमेरे वहाँ पे चली जाती है मतलब आईसीयू में। तभी गाइज कुछ सरप्राइज़ कुछ एंट्री होती है, बोलते हैं क्या हुआ मित्सो, और वो आवाज़ और किसी की नहीं रहती है, निंजा हथौड़ी की रहती है और उसके निंजा हथौड़ी की टीम केनिची, सिंजो और शिशुमानु। हाँ गाइज इतने लोग आए रहते हैं। और गाइज ये अभी इतने ही लोग नहीं आए हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ और एक और बहुत सारी मंडली है, जैसे कि कित्रित्सु आया है गाइज, हाँ गाइज कोरोसुके आया है। अब ये सब और उससे भी अब ये सब तो आपको पता ही है कौन है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस और लेकिन अभी इतने ही लोग नहीं आए हैं, और भी लोग आए हैं, मतलब मान लीजिए कि फुजिको एफ फुजियो के लगभग आधे एनिमे आए हैं और फुजिको एफ फुजियो के भी। तो गाइस ये थोड़ा सा कोलैबोरेशन है सब का। और गाइस जब सब मित्सो बोलता है इतने लोग कैसे आ गए और तुम लोग आए कैसे, तभी गाइस निंजा हथौड़ी बताता है कि देखो असल में मैं तुम लोगों को अगर सच बताऊं तो हमें लाया गया है, किसने लाया गया है हम अभी मित्सो तुम्हें नहीं बताएंगे। और हाँ, क्योंकि तभी डोरेमोन उसे बात बीच में बोलता है कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो इस तुम्हारे यूनिवर्स में मतलब परमैन के यूनिवर्स में कुछ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है जो मतलब लिटरली पता नहीं चल पा रहा है, इसी वजह से हमें लाया गया है कि हम तुम्हारी मदद करें मित्सो। तभी मित्सो बोलते मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ डोरेमोन, मैं मतलब गाइस मित्सो जानता है सबको, इतना जानता है कि ये लोग कौन है क्या है बस, क्योंकि गाइस तब इतना मतलब मत सोचो कि कैसे जानता है, इतना नहीं सोचा जाता है, आप बस जो स्टोरी चल रहा है वही देखो, उसको इमेजिन करो, आपको मज़ा आएगा। तभी गाइस वो निंजा थोड़ी बोलता है कि देखो पता नहीं इस वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ है जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ है, कोई है इस वर्ल्ड में जो तकलीफ दे रहा है। तभी गाइज सुमेरे का तो अभी ठीक ही हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, मित्सो देख रहा है मतलब बाहर से कि एकदम मतलब उसकी आँख में आंसू है। और तभी गाइज केनिची उसे बोलता है कि होता है और मैं भी प्यार करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। और तभी गाइज निंजा थोड़ी नोबिता और सुजुका हर लोग उसको मतलब मित्सो को संभालते हैं। और तभी गाइस डोरेमोन बोलता है कि अब हम जो काम के लिए आए थे वो करते हैं, हम लोग देखो मित्सो तुम तो यही रुकोगे हॉस्पिटल, मित्सो बोलते हैं हाँ मैं वही यहीं पे रुकूंगा।
बाकी तुम लोगों को ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में वो सच क्या है। तभी गाइस नोबिता बोलता है ठीक है, हम मैं और सुजुका वो जगह जाएंगे जहाँ पर अभी कबाओ, जहाँ पे कबाओ था, जहाँ पे कबाओ मरा हुआ है, मतलब पता नहीं वो मरा भी है क्या नहीं। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे सुराग को ढूंढेंगे, कुछ तो है इस वर्ल्ड में जो गड़बड़ हो रही है। और तभी गए डोरेमन बोलता है ठीक है, तो मैं मतलब गैजेट से और लोगों से कनेक्ट करता हूँ, फूजीको फूजियो के एनिमेस के और लोगों से कनेक्ट करता हूँ जो हमें मदद करे, क्योंकि मुझे लगता हमें जिसने भेजा है वो बोले हैं कि बहुत बड़ा मामला है इसी वजह से। तभी गाइज निंजा हथौड़ी एनिमे की टीम वो लोग बोलते हैं तो ठीक है, तो निंजा हथौड़ी सिंजो और सिसुमानु हम लोग इस वर्ल्ड के पहरेदारी देंगे और देखेंगे कहाँ खतरा है। और तभी गाइज कैनिची और कैनिची युमी को वो लोग बोलते हैं ठीक है, तो हम लोग बची हुई जगह में जाते हैं और कितरुत्सु और कोरुसुके वो दोनों मतलब बोलते हैं कि ठीक है, हम भी कहीं बाहर ऐसे ही देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है क्या नहीं। तो और भी ऐसी करके सब बट जाते हैं और लिटरली मतलब, और मित्सु अकेला हॉस्पिटल में रहता है और वो पाको की बोलता है कि सुमेरे जल्दी ठीक हो जाओ, तुम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पाको तुम ठीक हो जाओ यार, तुम ठीक हो जाओ सुमेरे प्लीज़। अब गाइस मैं पाको सुमेरे बार बार अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट इसमें अभी बता दूँ कि सुमेरे अभी पाको नहीं बनी है, तो मैं अब सुमेरे ही वर्ड बोलूँगा, तो और मैं मित्सु ही वर्ड बोलूँगा ठीक है। तो इसी वजह से गाइस मित्सु बहुत याद करता है सुमेरे को और लिटरली अब सीन दिखाता है कितरुत्सु का, और कोरुसुके और कितरुत्सु अपना ऐसी ढूंढ रहे रहते हैं और उसके बाद मतलब कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है क्या नहीं। लेकिन गाइस अचानक से जो कितरुत्सु रहता है वो मित्सु को मतलब मित्सु के बारे में याद करता है, बोलता है कि मित्सु अपने सुमेरे से कितना प्यार करता है और काश मियोको वो गाइस कितरुत्सु अपने मियोको को याद करता है लिटरली वहाँ गाइस, क्योंकि कितरुत्सु एनिमे के बस दो ही लोग अभी आए हैं, कितरुत्सु और कोरुसु के, मियोको अभी तक मतलब आई नहीं है अब, क्योंकि गाइस अब वो लिटरली अब क्यों नहीं आई, ये रीजंस हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहने वाला है। लेकिन देखो आगे वो कितरुत्सु बोलता है मैं खुद मियोको को बुला सकता था, मैंने नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खतरा है और इसी वजह से मैं नहीं बुलाया, और अपने दोस्तों सबको भी मैंने नहीं बताया कि मैं अभी इस वर्ल्ड में हूँ। मतलब दोस्तों को कहाँ मेंशन कर रहा है, किस लोगों को वो मेंशन कर रहा है, बूटा गोरीला टोंगारी उन लोगों को वो मेंशन कर रहा है जिसने कितरुत्सु एनिमे देखा है, ये नाम तो आप सुने ही होंगे। तो गाइस उसके बाद जो कितरुत्सु रहता है वो याद करता है मियोको को, बहुत ज़्यादा याद करता है। और तभी गाइस सीन बदलता है और नोबिता और सुजुका का दिखाता है कि वो जगह आते हैं जहाँ पे कबाब पड़ा रहता है, लेकिन कबाब उस जगह पे नहीं रहता है। नोबिता बोलता है सुजुका कबाब यहाँ पे नहीं है, कबाब यहाँ पर नहीं है। तभी सुजुका बोलती हाँ इसका मतलब कबाब अभी भी जिंदा है। और तभी गाइस नोबिता और सुजुका और ऐसे ही आगे बढ़ते और ढूंढते रहते हैं, लेकिन अचानक से नोबिता पीछे मुड़ता और सुजुका गायब हो जाती है। और नोबिता बोलता सुजुका सुजुका तुम किधर हो, सुजुका सुजुका तुम किधर हो। और तभी गाइस सीन बदलता है और निंजा हथौड़ी का सीन दिखाता है, सिंजो निंजा हथौड़ी और शिशुमानु वो लोग भी ढूंढ रहे थे। सीन बदलता है उसके बाद नोबिता और क्या सुजुका का सीन दिखाता है, नोबिता अभी भी ढूंढ रहे थे किधर हो, और गाइस सुजुका के बच्चे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है नोबिता नोबिता जल्दी आओ इधर जल्दी आओ नोबिता। और तभी गाइस सीन बदलता है उसके बाद कैनिची और युमिको का सीन दिखाता है, कैनिची और युमिको भी ऐसी पहरादारी ही दे रहे रहते हैं मतलब ऐसा मान लो। और गाइस उसके बाद अचानक से गाइस युमिको का पैर कोई खींचने लगता है और लिटरली हाँ और मतलब ऐसा मतलब
हाँ गाइस, और यू वो कैनिचे बोलता है, ये तुम्हारा पैर कौन खींच रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नोबिता जो रहता है, नोबिता का सीन दिखाता है, नोबिता ढूंढ रहता है। और तभी गाइस सीन बदलता है, वापस से मित्सो का सीन दिखाता है। डॉक्टर आता है और वो बोलता है, देखो सुमेरे का काफ़ी क्रिटिक काफ़ी मतलब काफ़ी उसका हालत ख़राब है। और तभी गाइस मित्सो डॉक्टर का बिना बात ही बोले सीधा रूम मतलब एक तरीके से खोलता है और सुमेरे के पास जाता है और बोलता है, सुमेरे, वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। और सुमेरे का आंखें बंद रहती है और सुमेरे कुछ नहीं मतलब ऑलवेज वो कैसे बोल सकती है। और तभी गाइस मित्सो बोलता है, सुमेरे अपनी आंखें खोलो, अब बहुत हो गया, मैं तुम काफ़ी ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा आराम कर चुकी हो, तुम मुझे डांटती हो ना यार, तुम मुझे डांट क्यों नहीं रही हो। मैं जानता हूँ हमारी किस्मत बार बार मिलवा रही थी ना, हमारी किस्मत बार बार मिलवा रही थी ना हमें, कि जब जब मुसीबत आएगा तब तब तुम मुझे बचाने आओगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने आप को मुसीबत में डालने, मुझे पूरा यकीन है तुम आओगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तभी गाइस सुमेरे की आंखें खुलती है, वो बोलती है, तुम बाहर मित्सो को कौन कौन कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता। और तभी गाइस डॉक्टर बोलता है, वाह ये क्या हो गया अचानक से। और तभी गाइस मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ता है और बोलता है, देखो अब हम दोनों अब कभी जुदा नहीं होंगे। और तभी गाइस सुमेरे बोलती है, हाँ। तभी मित्सो बोलता है, लेकिन एक और मुझे चीज़ बतानी है। और वो सारा मित्सो वो चीज़ बताता है, इस दुनिया में गड़बड़ चल रहा है, और भी फुजिको फुजियोस के एनिमेस के लोग आए हुए हैं, जो गए हैं। तभी गाइस सुमेरे बोलती है, अच्छा। और तभी गाइस मित्सो बोलता है, तुम्हारा भी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए और मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा। तभी गाइस सुमेरे बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ अब, और अब मैं बहुत हो गया, हमें पहले उन लोग अपनी जान के खतरा लगा रहे हैं और वो लोग, तो हम क्यों पीछे हटे मित्सो, हम मानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है पावर वावर बचाने के लिए। बट तभी गाइस पीछे से एक आवाज़ आती है, किसने बोला पावर नहीं है। मित्सो पीछे मुड़ता है और वो बर्डमैन को देखता है। मित्सो बोलता है, आप कौन है। तभी गाइस बर्डमैन बोलता है, मैं वो हूँ, बस तुम लोग की असलियत मैं दिखाना चाहता हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों का जगह कहाँ पर है मैं तुम लोग को वो दिखाना चाह रहा हूँ। सुमेरे बोलती है, मतलब तुम दोनों की जगह किधर है। ये परमैन सीरीज जो ये परमैन यूनिवर्स है, मतलब तुम लोग एज दोनों मेन कैरेक्टर हो इस यूनिवर्स के, तो और ऐसे ही करके डोरीमोन यूनिवर्स में नोबिता और सुजुका मेन कैरेक्टर है, ऐसे ही करके बाकी एनिमेस के डोरीमोन मेन कैरेक्टर है, नोबिता सुजुका मेन कैरेक्टर है डोरीमोन के यूनिवर्स में। लेकिन ये तुम लोग का यूनिवर्स है तो तुम लोग का एक चीज़ मिसिंग है। तभी मित्सो कहता है, क्या। तभी गाइस बर्डमैन मित्सो को एक चीज़ फेंक के देता है और मित्सो कैच करता है, और पाको को भी मतलब, अब पाको मैं वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि गाइस आप समझ गए होंगे, वो सुमेरे भी उस चीज़ को पकड़ती है और वो और कुछ नहीं सेट रहता है, परमैन सेट। और पाको को मतलब सुमेरे को पाको सेट। और तभी गाइस मित्सो कहता है, ये क्या है। और तभी बर्ड मैन ये सब चीज़ के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि इस दुनिया में बहुत बड़ा गड़बड़ है, और हाँ जो ये फुजिको फुजियोस के एनिमेस आए हैं ना यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्स से, और ये बना रहे मल्टी यूनिवर्स, तो अलग अलग यूनिवर्स ही मैंने ही उनको कहा है, मतलब मैं ही हूँ उनको लाने वाला। ठीक है, अब तुम लोग भी जाओ और मदद करो उनकी, अब हो गए ना। और हाँ दो लोग और आएंगे तुम्हारे साथ, उनका नाम पयान और बूबी है, जो ये है तुम्हारी टीम। तभी गाइस परमन बोलता है, लेकिन तभी बड़े मन उसे टोकते हुए कहता है कि, लेकिन पयान और बूबी
बाद में आएंगे, अभी नहीं, ठीक है? तो पहले तुम लोग जाओ और उनकी मदद करो, और सुमेरे अगर तुम्हें आराम करते हैं तुम आराम कर सकती हो। तभी सुमेरे बोलती है, मैं आराम नहीं करूँगी, वैसे भी मैं ठीक हूँ। चलो मित्सो, वक्त आ गया है, अब हमारी बारी। मित्सो और सुमेरे वहाँ से चले जाते हैं उड़कर, मतलब। और ऐसे ही करके बर्डमैन बोलता है, जाओ जाओ, क्योंकि अब होगा, क्योंकि मुझे आने वाली, बर्डमैन गाइस ये अब अकेले में अपने आप से बात करता है, मुझे आने वाला खतरा आ रहा है, एक बहुत बड़ा तूफान तुम सबकी ज़िंदगी में आने वाला है। और गाइस तभी एक सीन दिखाता है, काफ़ी डार्क एरिया रहता है, लिटरली डार्क एरिया। और गाइस वो डार्क एरिया में लिटरली एक एक मतलब एक एक कोई बैठा रहता है और वो बात करता है, और कोई मतलब स्टाफ आता है, मतलब कोई नौकर आता है, वो कुछ 3-4 फ़ोटो उस आदमी के सामने रखता है। वो एक फ़ोटो तो मित्सो और सुमेरे का था, दूसरा फ़ोटो नोबिता सुजुका का था, और तीसरा फ़ोटो और भी फुजिको फुजियोस के, जो भी एनिमेज है, मतलब 3-4 फ़ोटो नहीं रखते, बहुत फ़ोटोज़ रखते हैं, और उसमें से हर एक एक फ़ोटो में फुजिको फुजियोस के एनिमेज के फ़ोटो रहता है। और वो स्टाफ बताता है, ये लोग अभी इसी यूनिवर्स में हैं, और हाँ ये लोग अलग अलग यूनिवर्स से आए हैं। तभी वो आदमी कहता है, मेरा तो बस एक ही सपना है, अलग अलग यूनिवर्स में सबको एक यूनिवर्स कर दूँ, मतलब मैं डोरेमोन का यूनिवर्स और भी फुजिको फुजियोस का यूनिवर्स, जो भी एनिमे है, सबके यूनिवर्स को अगर मैं एक यूनिवर्स में कर दूँगा और मैं उसे मतलब अपने कब्ज़ा में कर दूँगा, तब तो मैं इस पूरे ब्रह्मा इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक होऊंगा। तो गाइस ये यहीं से ये मतलब ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। और लिटरली गाइस ये पार्ट आपको कैसा लगा, और आगे भी इसका भी है, अभी आगे के अगला एपिसोड भी है गाइस इसका, जो गाइस बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ गाइस आपके लिए। और गाइस सपोर्ट करो, और थैंक यू आप इतना सपोर्ट करते भी हो। तो अस्सलाम वालेकुम।